तो यार मैं इस चीज़ को काफ़ी दिनों से टालते हुए आ रहा था। मैंने Redmi Note 8 पे वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि मैं गेमिंग रिव्यू भी करूँगा, तो काफ़ी लोग नीचे कमेंट्स में लिख रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ इसी Redmi Note 8 का गेमिंग रिव्यू, बताऊँगा आपके मैं इसमें लगे स्नैपड्रैगन 665 की ताकत और बात कर लेंगे कितना ये गर्म होता है, कितने टाइम तक मैं खेलता हूँ, पबजी की कौन सी सेटिंग्स पर आप खेल सकते हैं, इसी के साथ S Fold 9 में क्या परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। तो उसके बाद कर लेते हैं खतरनाक सी बात, वो बात है गिव अवे की। आप में से किसी एक व्यूअर को मिलने वाला है यही Redmi Note 8। उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, उसी के बाद सब्सक्राइब कर लेना है टेक मास्टर को बेल आइकन के साथ, और नीचे एक कमेंट करना है कि आपको ये फोन क्यों चाहिए और आपको इस फोन में क्या एक चीज खास लगी। कमेंट एक ही करना है, बाकी नीचे आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना है क्योंकि जो विनर अनाउंस होंगे वो इंस्टाग्राम पे ही होने वाले हैं। तो जो गिव अवे है वो एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही इस वीडियो पे 1,00,000 व्यूज अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी अब स्टार्ट करते हैं इसी गेमिंग रिव्यू को, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले खेलते हैं पबजी और मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट और उसके बाद देखते हैं क्या रहती है कहानी। यार मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, मैंने ये गेम ना दोबारा से स्टार्ट किया है। मैंने 34 मिनट्स तक दोनों गेमों को खेल लिया था लेकिन उसके बाद पता चला जाके चला कि इस वीडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी, अभी आपको मैं फिर से रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। और इवन हमने चिकन डिनर भी किया था, अभी मैं सेकंड टाइम किया था खेलूँगा आई डोंट नो, बट किस्मत से यार जिंदगी में तीसरी बार चिकन डिनर हुआ था वो। किस्मत खराब। तुमने टाइमिंग फिर से स्टार्ट कर दिया है, अभी देखते हैं क्या सीन रहता है इस बार गेमिंग का। या और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है, बहुत ऊपर है भाई, लैंड कराओ भाई, मुझे लंबी राइड नहीं करनी ज्यादा भाई, लंबी राइड नहीं करेगा अपन। और मम्मी रे, अरे बाप रे, अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं। उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ कोई फ्रेम ड्रॉप अपन को देखने को मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ मीडियम बैलेंस सेटिंग पर यहाँ फ्रेम ड्रॉप्स वाला कोई सीन है नहीं, काफी ठीक ठाक सी देखने को मिल रही है। you
तो यहाँ पे हम थोड़ी सी सेटिंग इसको चेंज करके देखते हैं, स्मूथ पे खेलते हैं, लो सेटिंग में कैसे देखने को मिलता है देखते हैं। पर इस सेटिंग में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसके बाद थोड़ी सी और सेटिंग में अपन चेंज कर लेते हैं, मीडियम पे बैलेंस सेटिंग पे अपन खेलते हैं गेम को। एक बार फिर से हम यहाँ पे ग्राफिक्स को चेंज करेंगे, स्मूथ में हाई कर देंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे। तो यार इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ना मुझे गेमिंग काफ़ी शानदार लग रही है, हालांकि गेमिंग को जज मत करना, मुझे इतना खेलना नहीं आता, मैं नॉर्मली ऐसे ही खेल लेता हूँ कभी कभी गेमिंग रिव्यू के लिए। भाई को मारने की हिम्मत है तुझमें? मेरे को मारेगा? तो काफी स्मूथ गेम प्ले चल रहा है यार, बिल्कुल मजा आ रहा है एकदम। यार बहुत हो गया, काफ़ी टाइम, हमने 22.5 मिनट तक पबजी को खेला है और यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी हम चलते हैं एस फोल्ड 9 की और वहाँ देखते हैं कि क्या सीन रहता है इसी रेडमी नोट 8 का। तो ओरो मिला के यार काफ़ी टाइम हो गया ऐसे गेम खेलते हुए, 25 मिनट गुजर चुके हैं। तो ऐसे में मैं हीटिंग की बात करूं तो कुछ खास हीट हुआ ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे मेरे को लग रहा है इसका प्रोसेसर है तो यहाँ से थोड़ा सा हीट देखने को मिला है, हालांकि इतना तो कोई फ्लेक्सिबल लेवल का डिवाइस भी हीट रहता है इतना तो।
तो यार परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है इस प्रोसेसर को देखते हुए। वहीं मैं बात कर लूँ हीटिंग की, तो यार कुछ खास को गर्म हुआ नहीं है, वहाँ कुछ खास उपकरण तो नहीं है मेरे पास चेक करने के लिए, लेकिन हाथ में पकड़ने से पता चल रहा है कि ये कुछ खास हीट नहीं हो रहा है। अपन हालांकि कोई हायर सेटिंग में नहीं खेल सकते इसमें, लेकिन एक नॉर्मल लेवल की अपन सेटिंग्स करके आराम से अपने गेम को खेल सकते हैं इसमें। लेकिन इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग ये सब मुझे ठीक लगा, और काफ़ी कमाल की अपन को स्क्रीन क्वालिटी भी इसमें देखने को मिल जाती है। तो यही थी गेमिंग परफॉर्मेंस इसी Redmi Note 8 की। तो बाकी मैं बात करूं आपसे गिव अवे की, तो गिव अवे एक्टिव हो जाएगा जैसे ही इस वीडियो का आते हैं 1 लाख व्यूज। 1 लाख व्यूज कंप्लीट होते ही मैं इसके गिव अवे के विनर अनाउंस कर दूंगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें टेक मास्टर को, और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं ऐसे ही वीडियोस। तो एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।